यूक्रेन में कामयाबियां समेटने वाली रूस की निजी फौजी कंपनी वाग्नर ग्रुप ने रूसी फौजी क्यादत ही के खिलाफ बगावत कर दी। यूक्रेन में लड़ने वाले अपने हरावल दस्ते में शामिल अहलकारों को रूसी तैयारों की जानब से मुबैन निशाना बनाए जाने पर रूसी वजारत दिफा का रुख कर लिया। ग्रुप के सरबराह का कहना है कि 25,000 की मजबूत फोर्स मरने के लिए तैयार है। यूक्रेन में रूस का फौजी हेलीकॉप्टर गिराने और रूस के जनूबी इलाके रोस्तोव में दाखिल होने का भी दावा। रूस ने मुसल्ला बगावत पर उकसाने के इल्जाम में वाग्नर ग्रुप के सरबराह युवेग्नी प्रिगोजिन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। वाग्नर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी फोर्सेस से कहा गया है कि वो प्रिगोजिन के अहकाम को नजरअंदाज करके उसे गिरफ्तार कर लें। मॉस्को में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मॉस्को की सड़कों पर टैंक्स आ गए। रूसी हुकूमत की जानिब से वाग्नर ग्रुप पर बमबारी की भी तरदीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस में पैदा सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया गया, रूस में पेशरफ्त पर इत्तेहादियों और शराकत दारों से मुशावरत करेंगे। वैग्नर ग्रुप के सरबराह ने दावा किया कि उनके ग्रुप में शामिल सैकड़ों जंगजुओं को वजीर दिफा के हुक्म पर बमबारी से हलाक किया गया है, यूक्रेन में नुकसान कम करके दिखाए जा सके। वैग्नर ग्रुप के सरबराह ने कहा कि अब उनके रास्ते में जो भी आया उसे तबाह कर दिया जाएगा। वैग्नर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी रोक कर बाज इलाकों से दस्ते वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। अमरीका भारत मुश्तरका बयान में पाकिस्तान का हवाला गैर जरूरी और गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर रद्द अमल, कहा हैरान है अमरीका के साथ पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ करीबी तआवुन के बावजूद इसे शामिल किया गया। यक तरफा मौकफ की तौसीक से गुरेज किया जाए। भारत को जदीद फौजी टेक्नोलॉजीज की मुंतकली पर गहरी तश्वीश है। ऐसे इकदाम खित्ते में फौजी अदम तवाजुन को बढ़ा रहे हैं। मुश्तरका बयान खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम के कलीदी जराए को हल करने में नाकाम रहा। मुश्तरका बयान में किए दावे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बैनुल अक्वामी अज़्म को किस तरह मजबूत कर सकते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। जानों के नजराने पेश करके हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्ला अफवाज ने एक मिसाल कायम की है। भारत मकबूजा कश्मीर में वहशियाना जबर और अकलियतों के साथ नारवा सलूक से तवज्जो हटाना चाहता है। मुश्तरका बयान भारत के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल का नोटिस लेने में नाकामी है। व्हाइट हाउस का जो बयान आया वो साबिक हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। अमरीका के लिए तो जंगे इन्वेस्टमेंट होती हैं। आज भी पाकिस्तानी कौम अमरीकी हलीफ होने की सजा भुगत रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीका भारत मुश्तरका इलामिये पर रद्द अमल, कहा इस खत्ते में दहशतगर्दी के बीज बोने में अमरीका का भी बड़ा किरदार है। अमरीका की स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हमेशा कमर्शियल होती हैं। हम अमरीका के लिए 40 साल से जंग लड़ रहे हैं। अमरीका ने इस खत्ते में 40 साल में दो नाकाम मुदाखलतें की। अमरीका की विरसे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से चीन, रूस और पड़ोसियों से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ प्रोग्राम कामयाब हो जाए। आईएमएफ आजाद इदारा है जो अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में काम करता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बातचीत, कहा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत का है जिसका हल चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान माजी में मुश्किल वक्त से गुजरा, उम्मीद है इस बार भी बहरान से निकल जाएगा। अमरीका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। हम किसी को तन्हा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। चीन से तिजारती ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। मरियम नवाज सऊदी अरब जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज अपने वालिद के साथ हज अदा करेंगी। नवाज शरीफ और फैमिली के दीगर अफराद हज के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि नवाज शरीफ भी जल्द दुबई रवाना होंगे। नवाज शरीफ दुबई में दो हफ्ते कयाम कर सकते हैं। वो कुछ फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का इतवार की सुबह फैमिली के साथ लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान है। नवाज शरीफ हज की अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। 2.5 घंटे से ज़ायद वक्त गुजारा, कहा नवाज शरीफ ठीक हैं, उनका इलाज जारी है।
माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में MDIMF से मुलाकात खुशगवार रही। MDIMF को बताया है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, अब प्रोग्राम बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम की क़यादत इसहाक डार करेंगे, मेरा भी उनसे राबता है। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने कहा कि रियासत और हुकूमत का मौकफ वाज़े है, इसलिए मुश्किल लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो उस पर अमल हो सके। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, बेंच की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी है, ऐसे बेंच के फैसले को किस तरह तस्लीम किया जाएगा। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अदा बंदयाल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, कॉमन सेंस है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। मुलजमान के रिमांड में हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर होगी, ये बुनियादी चीज मिसिंग है। मुलजमान की मिलिट्री को हवालगी के लिए दरख्वास्त में सिर्फ ठोस बुनियाद नहीं दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जब आईन इजाजत ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सकें तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। सुप्रीम कोर्ट को यह हक कहाँ से हासिल हुआ कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके। ऐसा लगता है अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हकूक का मामला जबरदस्ती लाया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नौ रुकनी बेंच के तश्कील पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड होने के कुछ देर बाद हटा दिया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने नोट में लिखा कि अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। अदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। अदालत उज़्मा के सरबरा को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब से जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने सीनियर जजेस से मुशावरत की रिवायत तर्क कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तमाम जरूरी मामला अपनी मर्जी या अपने चंद एहलकारों के जरिए चलाए। जजेस की हैसियत का अंदाजा करें कि चीफ जस्टिस ने कभी फुल कोर्ट इजलास ही नहीं बुलाया। जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग तो ना बुलाई लेकिन दरख्वास्त गुजारों और उनके वकला को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में चीन के वज़ीर आज़म ली की चियांग से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और मुआशी तआवुन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत और मुआशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि चीन ने जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़े खत्ते में G20 इजलास बुलाने की मुखालफत की। वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। चीनी वज़ीर आज़म ली की चियांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान के कलीदी मफादात के तहफ्फुज़ और मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए जर्मनी की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की यूरोपियन कमीशन के सदर, ब्राज़ील के सदर लोला डिसल्वा और सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से भी मुलाकात। पहले भी किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा, आसिफ जरदारी का वादा। कहा, मिसाके मईशत वक्त की जरूरत है, वो मिसाके मईशत पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियां भी ऐसा करेंगी। अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिला तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। टेक्सटाइल और खजाने का वजीर सनअतकारों से होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने तो क्रिकेटर को भी मिसाके मईशत का मशवरा दिया था लेकिन वो समझ नहीं सके। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन का ख्वाब भी पूरा हो सकता है। ईरानी सरहद तक गैस पाइपलाइन बनी हुई है, सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे हो रहे हैं, अब कोई मसला नहीं है। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नाम लिए बगैर गैर जमहूरी सियासतदान करार दिया और कहा कि उन्हें जमहूरियत तब याद आई जब जिना हाउस पर हमला हो चुका था। पाकिस्तान पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स का जवाब दे रहा है, उम्मीद है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स पर काबू पा लेंगे। रियासती इदारों पर हमला करने वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं रखते। बिलावल ने शहबाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध दिए, बोले इस वक्त पीपल्स पार्टी की सियासी यारी मुस्लिम लीग नवाज से है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं और आसिफ अली जरदारी के बारे में मशहूर है कि वो यारों के यार हैं। गवाही देता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा।
पांच सयाहों की मौत के बाद टाइटन अगले मिशन पर जाएगी या नहीं। इंकशाफ हुआ है कि टाइटन के सरबरा को खबरदार किया गया था कि बगैर लाइसेंस के आप दोस्त को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। माहिरीन ने कई साल पहले टाइटन के सरबरा पर वाजे किया था कि तुम किसी की जान लेकर ही रहोगे। कनाडा ने वार्निंग नज़रअंदाज किए जाने की तहकीकात शुरू कर दी। हादसे में स्टॉकटन रश और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत पांच अफराद मौत का शिकार हुए। दुनिया को हिला देने वाले हादसे ने कंपनी की किस्मत पर सवालिया निशान बना दिए। कराची के इलाके न्यू कराची में कुर्बानी का बैल देखने के शौक ने 12 साल के लड़के की जान ले ली। इब्राहिम बैल देख रहा था, इस दौरान बैल अचानक रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी लड़के के पैर से लिपट गई। बिफरा बैल बच्चे को घसीटता हुआ दूर तक ले गया। इलाका मकीनों ने बैल को पकड़ने के बाद बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया, तहम लड़का इंतकाल कर गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद 281 खानदानों का हुकूमत से राबता। 193 डीएनए सैंपल जमा किए जा चुके। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद लाशें वतन वापस लाई जा सकेंगी। वज़ीर दाखला राना सनाउल्ला ने वाकये की तफसीलात से कौमी असेंबली को आगाह कर दिया। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 5 साल में मिलने वाले डेटा के मुताबिक किसी को शाजो नादिर ही सजा हुई। वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट 2018 में तरमीम का फैसला। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के बैंक अकाउंट्स और रसासे मुंजमद किए जाएंगे। इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग नाकाबिले जमानत जुर्म हो। वजीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने कहा है कि IMF MD का पाकिस्तान से मुतालिक हमदर्दाना मौकफ रहा है। उनकी ख्वाहिश है कि हम नवे जायजे पर पेशरफ दिखाएं। वक्त कम है, IMF का प्रोग्राम 30 जून को खत्म हो रहा है। हमारी कोशिश है कि नवा जायजा मुकम्मल हो और हम आगे बढ़ें। पेरिस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म की IMF MD के साथ मुलाकात मुस्बत रही। साबिक सिफारतकार मलिहा लोधी ने कहा कि मौशी बहरान का जवाब मौशी सिफारती नहीं है। सियासी रहनुमा अपनी नाअहली दूसरों पर डालते हैं या साजिश का इल्ज़ाम लगाते हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए हमें अपना घर ठीक करना होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में साबिक सिफारतकार मलिहा लोधी ने कहा, अगर वजारत खजाना इतनी नाअहल है कि मौशी अहदाफ पर अमल नहीं कर सकती तो सिफारतकारी से कोई हल नहीं निकलेगा। अगर जियो पॉलिटिक्स है तो वजीर खजाना अमरीकी सफीर से क्यों मिलते हैं। ओखाड़ा के कस्बे कोटबारी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि डाकू शहरियों को लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग की, 2 डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हुए। कराची के इलाके गार्डन में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। लियारी गैंग वॉर का एक मुलजिम हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कत्ल, इकदाम कत्ल, डकैती और दीगर वारदातों में मुलव्वस हैं। मुलजिमान की शनाख्त कामरान कयूम बलोच, वलीद अब्दुल्ला और वसीम के नाम से हुई है। दौरान इलाज वसीम दम तोड़ गया। मलीर बकरा पीढ़ी के करीब से 2 डाकू गिरफ्तार। कोयटा में 100 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में 40 जवाब दे गए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के पास प्लांट्स की मरम्मत के लिए फंड्स दस्तयाब नहीं। हुक्काम का कहना है कि ठेकेदार ने 60 लाख के वाजबात पर प्लांट्स की मरम्मत का काम रोक दिया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने मरम्मत के लिए 2 साल में 1 रुपया भी जारी नहीं किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। सिंध के शुगर मिल्स के कोटे से 32,000 मेट्रिक टन चीनी बैरून मुल्क भिजवाने की इजाज़त दे दी गई। 60 रोज के अंदर अंदर चीनी बरामद कर सकेंगे। मुद्दत का आगाज 12 जून से होगा। मरियम नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन में बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और नेशनल पार्टी के दरमियान वसी तर सियासी इत्तेहाद पर गौर किया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत बलोचिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है। बलोचिस्तान के नौजवानों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। कराची में मेयर के इलेक्शन के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मेयर कराची का फेयर इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है। कराची के मैंडेट पर डाका पड़ा और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना रहा। इलेक्शन कमीशन किस तरह आम इंतखाबात करवाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के हक पर डाका किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को खबरदार करना चाहते हैं कि नतज दुरुस्त करना होंगे।
पिशावर के इलाके हजारख्वानी में पीटीआई के साबिक एमपीए फजल इलाही के घर पर पुलिस का छापा। फजल इलाही घर पर नहीं मिले। फजल इलाही के खिलाफ तोड़फोड़ जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। लाहौर ब्रिज तौसीह प्रोजेक्ट को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर ब्रिज का इफ्तिताह किया। कहा आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। शहरियों के वक्त और ईंधन की मद में यौमिया करोड़ों रुपए की बचत होगी। चेयरमैन पीसीबी के इंतखाब के लिए पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का खसूसी इजलास 27 जून को तलब कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाब के लिए इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी में दिन 2 बजे होगा। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। यूनिफाइड बैडमिंटन वुमेन्स डबल में फायजा नासिर और नाहीन खान ने सोने का तमगा जीता। यूनिफाइड मेंस डबल बैडमिंटन में पाकिस्तान का सिल्वर मेडल। नौशेरवान आरिफ और तलहा आसिफ ने चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 6 हो गई। और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेले का लालक जान स्टेडियम गिलगित में आगाज। पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन उस्मान वजीर होम ग्राउंड पर अपने वर्ल्ड टाइटल का दिफा करेंगे। उस्मान वजीर का मुकाबला तंजानिया के टॉप बॉक्सर से होगा। कौमी क्रिकेटर शाहनवाज धानी और मीर हमजा भी गिलगित पहुंच गए।